सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद अहमद है जी, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा बिजनौर का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। जी जी, जो हादसा हुआ है दुखद, बहुत बड़ी घटना है, जो अपने नूरपुर के विधायक लोकेंद्र चौहान जी के साथ बहुत बड़ी घटना घटी है, उनके हादसे में जो मृत्यु हो गई है, तो इसके बारे में क्या जानकारी देना है आप? देखिए, ये बहुत बड़ी क्षति हुई है बिजनौर ज़िले को हमारे, और इसकी पूर्ति होना बहुत ही मुश्किल है। और लोकेंद्र चौहान अपने जो हमारे खाली नूरपुर विधानसभा नहीं देखते थे, वो पूरा ज़िला देखते थे और पूरे ज़िले के लोगों के सुख दुख में काम आने वाले व्यक्ति थे वे, और हर वक्त आवाम के साथ खड़े थे। अच्छा, जब आपको इस बात की जानकारी हुई तो एक हड़कंप सा मच गया होगा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ था, बल्कि हमारा एक अल्पसंख्यक मोर्चा ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप पे जब मैंने मैसेज देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं सोच रहा, मैंने पता नहीं ये नींद में किसी ने क्या लिख दिया। मैंने उसे फ़ोन किया, वो बोले नहीं इरशाद भाई, ये बिल्कुल सत्य है, सत्य घटना है ये, और ये हो गया है। उसके बाद मेरे पास लखनऊ से फ़ोन आए, वो भी मुझसे जानकारी ले रहे थे कि कैसे कैसे हुआ है ये बिजनौर में। उन्हें मैंने बताया, और फिर मैंने बिजनौर में भी यहाँ सब लोगों को फ़ोन करा, उनके फ़ोन मेरे पास आए। बहुत आज पूरा शहर, पूरा ज़िला हमारा दुख में है। आज आप जब भाजपा के जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के हो, तो भाजपा पार्टी की ओर से क्या हाईकमान का कोई आदेश, क्या इस घटना में शिरकत करने का कुछ ऐसा कोई अपडेट्स? हमने सुनने में आ रहे हैं कि इसमें जो है योगी जी भी शिरकत करेंगे, योगी जी आएंगे, सुनने में आया है ऐसा, पार्टी के लोग जिक्र कर रहे हैं ऐसा। उसके अलावा जो है लगभग ये उनका जो शव है, जो उनका डेड बॉडी है, तो किस समय तक? देखिए, आज वो शाम तक किसी भी समय तक वो आ सकती है। वैसे ये मुख्य कारण क्या हो सकता है जो हादसे के? कुछ नहीं, वो ड्राइवर जो है थोड़ा नींद में हो गया था, वो नींद की झपकी लगी उसे और डिवाइडर तोड़ के दूसरी लाइन पे गाड़ी पहुंच गई, सामने से ट्रक आ रहा था, उस ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। तो वे उस वक्त कहाँ पर गए थे जो विधायक जी, कहाँ पर पहुँचे हुए थे? वो लखनऊ से वापसी कर रहे थे। लखनऊ से वापसी जी। जैसा कि अध्यक्ष जी, अभी कुछ टाइम पहले जो एक मामला भी हुआ था, आपकी नॉलेज में होगा, साकेंद्र प्रताप सिंह के साथ में, जो उनके कोई रिलेटिव के साथ में हुआ था, तो उससे जैसे लोकप्रिय विधायक लोकेंद्र चौहान जी की काफ़ी अच्छी भूमिका रही उसके आदमी में और बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहे, तो क्या इस मामले को क्या? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो ड्राइवर नींद में हो गया था, वो समझे, लोग सोच रहे हैं ऐसा, मुझसे भी किसी ने पूछा था ये फ़ोन करके, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो ड्राइवर नींद में हो गया था, वो नींद की झपकी उसे लग गई थी, और गाड़ी जो है वो तो बिल्कुल साफ है, क्लियर है, डिवाइडर तोड़ के गाड़ी दूसरी साइड में पहुंच गई। आप मृतक जो विधायक जी है, उनके परिजन के प्रति क्या आप सांत्वना दे जाएंगे? देखिए, आज पूरी भाजपा ज़िले की, हमारी ज़िले की नहीं बल्कि यूपी की कहो आप, आज बहुत शोक का दिन है, सब लोग सदमे में हैं, और कुछ लोगों के घर में तो आज खाना भी नहीं बना, इतने सदमे में हैं सब लोग। और उनके क्षेत्र में जाके देखो आप, कोहराम मचा हुआ है, नूरपुर विधानसभा में कोहराम मचा हुआ है, सब लोग रो रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और थी, वे खाली लोग कहते हैं कि हिंदूवादी पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है, वे सबके सुख दुख में काम आने वाले आदमी थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके साथ कंधे से कंधा मिला के वे खड़े थे, और कोई भी समस्या हो लोगों की, हर वक्त वो उनके साथ थे। कुल मिला के यह कहा जाए कि लोकप्रिय विधायक लोकेंद्र चौहान जी की जो दुखद मृत्यु हुई, तो उसमें जो है भाजपा एक बहुत शोक उसमें जो है कंडीशन में इसमें है, बिल्कुल में, बिल्कुल उसके बाद में, और इसकी क्षतिपूर्ति करनी जो है बहुत कम, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बिजनौर का जो है, बिजनौर ने बहुत बड़ा एक ये समझो लाल खो दिया है, और इसकी पूर्ति होना बहुत ही मुश्किल है। चलिए, शुक्रिया।